घर में इज्जत नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, भाई व्लॉग बनाने जाऊं कैसे? तो आज तैयार होकर बाबूराय बनकर जब मैं व्लॉग बनाने के लिए निकल ही रहा हूं तो तभी मेरी नानी का मेरे लिए एक प्रस्ताव आता है। आटा पिसवाना बेटा। अब मना तो कर नहीं सकते क्योंकि अब छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पर, कटेगा तो तरबूज ही। तो बोरी की गांठ मार कर हम आटा पिसवाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच कर हमें दुकान बंद देखने को मिलती है, शायद आज भगवान भी हमारे साथ है। तो बोरी को घर में रख हम गुरुजी के लिए निकल जाते हैं। तो अभी हम आधी रास्ते पहुँचे थे कि हमको हमारे आगे मामे मिल जाते हैं, जिस वजह से हम गुरुजी पर जा ही नहीं पाते हैं। मगर आज मैंने भी सोच लिया था कहीं ना कहीं तो घूम कर ही मानूंगा, लेकिन एक इंसान की किस्मत कितनी बुरी हो सकती है मैं बताता हूँ। तो जब हम घूमने के लिए निकल ही रहे होते हैं तभी हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और इसी चीज के समाधान के लिए मैं अपने नाना बैंक के पास पहुँच जाता है। तो नाना जी से पैसा लेकर पेट्रोल भरवा कर हम साकेत पहुँच जाते हैं और आप लोग यकीन नहीं करोगे साकेत भी बंद पड़ा था। भाई भूख लगी थी बहुत जोरों की, लेकिन नशेड़ी को ठेके का और भूखे को ठेले का पता नहीं बताया जाता, वो खुद ढूंढ लेता है। तो भरपेट खा पी कर वहाँ से कल्टी हो लिया जाता है और ये दुख भरी कहानी आपको सुना दिया जाता है।